केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां और दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराज सिंधिया की पत्नी माधवी राजे सिंधिया का बुधवार सुबह निधन हो गया। वह पिछले 3 महीने से बीमार थीं। उनका दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। माधवी राजे सिंधिया का ताल्लुक नेपाल राजघराने से रहा है। शादी से पहले उनका नाम किरण राज लक्ष्मी देवी था। माधवराज से विवाह के बाद मराठी परंपरा के तहत नाम बदलकर माधवी राजे सिंधिया हो गया था। 70 वर्षीय माधवी राजे लंबे समय से बीमार थीं। माधवी राजे सिंधिया मूलतः नेपाल की रहने वाली हैं। उनका परिवार वहां के राजघराने से जुड़ा रहा है। उनके दादा शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के पीएम भी रह चुके हैं। विवाह से पहले उनका नाम प्रिंसेस किरण राज्य लक्ष्मी देवी था। 1966 में उनका विवाह ग्वालियर के सिंधिया परिवार के राजकुमार माधवराज सिंधिया से हुआ था। मराठी परंपरा के अनुसार शादी के बाद उनका नाम बदला गया और उनका नाम माधवी राजे सिंधिया हो गया। पहले उन्हें महारानी कहा जाता था, लेकिन माधवराज के निधन के बाद उन्हें राजमाता कहा जाने लगा। माधवी राजे के पति पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराज सिंधिया का 30 सितंबर 2001 को यूपी के मैनपुरी के पास विमान हादसे में निधन हुआ था। उस समय उनकी उम्र महज 56 साल थी। माधवी और माधवराज का रिश्ता ग्वालियर राजघराने की राजमाता विजय राजे सिंधिया ने तय किया था। साल 1966 में माधवी राजे की शादी माधवराज सिंधिया से हुई थी। यह उस दौर की एक शाही शादी थी जिसकी खूब चर्चा हुई थी। जानकारी के अनुसार यह शादी दिल्ली में हुई थी। ग्वालियर के लोग बारात में शामिल हों इसके लिए एक स्पेशल ट्रेन चलवाई गई थी जिसमें देश विदेश के मेहमान शामिल हुए थे। माधवराज सिंधिया के निधन के बाद माधवी राजे के राजनीति में आने के कयास भी लगते रहे। माना जा रहा था कि वह साल 2004 के लोकसभा चुनाव में ग्वालियर चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, लेकिन माधवी राजे ने खुद को राजनीति से दूर ही रखा। अपने पति माधवराज सिंधिया की राजनीति विरासत बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए छोड़ दी।